आतंकी धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा एकाएक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और शामिल होते ही उन्हें भोपाल की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट का टिकट भी थमा दिया गया। विपक्ष के साथ साथ खुद बीजेपी का एक तबका भी हैरान हुआ। हैरान होने वाली इस तबके में शायद केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनसे जब कटनी में साध्वी से तुलना करते हुए सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। प्रदेश की राजनीति में साध्वी प्रज्ञा का उमा जी का स्थान लेने जा रही हैं? वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करी। मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। बयान छोटा लेकिन तीखा है, इसलिए एक बार फिर से सुनिए। प्रदेश की राजनीति में साध्वी प्रज्ञा का उमा जी का स्थान लेने जा रही हैं? वो तो एक महान संत है, मेरी उनसे तुलना ही नहीं करी। मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म का प्राणी हूँ। उमा भारती खुद मध्य प्रदेश की एक कद्दावर नेता है, भगवाधारी है, हिंदुत्व का परचम लहराती आई है और अब वही लाइमलाइट साध्वी पर पड़ने लगी। शायद यही वजह है कि साध्वी से अपनी तुलना पर उमा ने तंज का बाण छोड़ दिया। हालांकि तुरंत बाद ये भी कहा कि साध्वी हैं तो भोपाल में जीत भी बड़ी होगी। दोनों पार्टियां अपनी दम लगा रही हैं। भोपाल सीट ही ऐसी है, वहां भाजपा की जीत होती है और अब साध्वी जी लड़ रही तो और ज्यादा होगी। आज तक से खास बातचीत में खुद प्रधानमंत्री ने भी साध्वी का बचाव किया है। ये हिंदू टेररिज्म करके भारत की हजारों साल की विरासत को आपने जो बदनाम किया उसको सामने से ललकारना चाहिए। जैसे चौकीदार को चोर कहा, मैंने सामने से चौकीदार बनकर के ललकारा है। इनका मुंह तभी बंद होगा। भोपाल में साध्वी का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह से है। राज्य में सरकार कांग्रेस की है लेकिन साध्वी ने भी टिकट मिलने के बाद तुरंत वादा किया कि उनका मकसद भगवा और हिंदुत्व को सम्मान दिलाना है। यानी चुनाव में भगवा और हिंदुत्व भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। कटनी से अमर तरमाकर के साथ।